अच्छा महिलाओं में लोकप्रिय अनूप सर भी बहुत हैं। वो हमें पता है। अच्छा सिर्फ महिलाओं में क्यों? ये महिलाओं की तरफ से चढ़ावा है। अच्छा एक एक बार एक लड़की मुझसे गाना सीखने आई। अच्छा जी। तो मैंने कहा पहले सीखा है? कहती हाँ मैंने सीखा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सुनाओ क्या सीखा। तो उसने सानी धानी सारे सानी जा था गगरे धानी जा गगरे धानी जा गगरे धानी जा। तो मैंने कहा तुमने तो क्लासिकल अच्छा सीखा हुआ। अच्छा फिर वो शुरू हो गई सा नी नी दादा नी सा रे रे धानी दा गगरे धानी सा गगरे धानी जा धानी सा रे गगरे धानी जा। मैंने कहा अच्छा गा रही हो। फिर अचानक मुझे ध्यान गया कि माँ और पा तो गा ही नहीं रही है। तो मैंने कहा माँ और पा क्यों नहीं गा रही हो? कहती वो मैं नहीं गाती हूँ उससे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। अच्छा माँ और पा वाह क्या बात है। शायद इसीलिए मैं पॉपुलर हूं उनके बीच। अनूप सर इतने हैंडसम है, मैं हमेशा ग्लो करता है चेहरा इनका। भक्ति संगीत गाते हैं फिर भी महिलाओं में इतनी लोकप्रियता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन से भजन के बाद आपको लगा था कि अब शायद लव लेटर आने कम हो जाए? मैं आपको सुना दूं। भजन गाते गाते एहसास तो हो गया होगा कि इतना भक्ति रस है। जी सर रूप तेरा आए हाय मजा आ गया। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है। हाय कोई हमसे ना शर्माए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। वाह बात है सर। वाह 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 थैंक यू। वाह वाह आई थिंक स्पेशल स्पेशल अप्लॉज फॉर दादा। क्या बात है सुपर। पर अनूप सर एक बात बताइए ये जो आज भक्ति रस के साथ साथ आपकी आंखों में श्रृंगार रस नजर आ रहा है ये कोई ऑडियंस में तो नहीं कोई बैठा हुआ जिनके लिए गा? मैंने बोला था ना मैंने बोला था। अच्छा सुदेश सर आपका जुम्मा चुम्मा गाना हम फिल्म का इतना बड़ा हिट हो गया सर फिर ये चुम्मे का डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कहाँ आई मीन लाइव शो कहाँ कहाँ किया आपने? पूरी वर्ल्ड टूर किए होंगे उस समय तो आपने? सर मैं मेरे हर लाइव शो में बोलता हूँ गाया मैंने लिया उन्होंने। चुम्मा नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ लेकिन आज उस गाने को 31 साल हुए हैं। वाह क्या बात है। और आज भी वर्ल्ड में कहीं भी मैं एंट्री करता हूँ तो पहली आवाज अरे ओ जुम्मा तो लक्ष्मी की जी प्यारे भाई और बख्शी साहब अमित जी चिनी प्रकाश जी को मैं जितना थैंक यू कहूंगा उतना कम है। और मुझे किसी एक्टर की आवाज में गवाने का जो आइडिया वो पता है आप यकीन भी नहीं करोगे आप सोच नहीं सकते हो शशि कपूर साहब का। अच्छा मैं अजूबा फिल्म के लिए गाने गया था लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया तो वो बोलते भी ऐसे थे सुरेश कुछ ना कुछ तेरा करूंगा और ये क्योंकि पान और उनका डब्बा हाथ में रहता था ना तो ऐसे ग्लास भी रहता था कभी कभी बोला सर ये किसके लिए गा रहा हूँ मैं तो बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं फिल्म का नाम है अजूबा और ये जो सामने बैठे ना इनका नाम है शशि कपूर। मतलब सर जानता हूँ मैं तो बोले शशि जी ये जो लड़का है ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता है। अच्छा साउंड तो शशि बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं इन्हीं से कराएंगे।
और इस रिकॉर्डिंग में रणधीर कपूर साहब, शशि जी और ऋषि कपूर भी बैठे थे। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हुआ, फोटोग्राफ वगैरह हो गए और रणधीर कपूर, कम ऑन मैन लेट्स गो, ऋषि तो ऋषि कपूर बोलते यार रुको यार, अमित जी को तो आने दो, व्हाट अमिताभ बच्चन, ही हैज सॉन्ग द सॉन्ग। तो उसके बाद लक्ष्मी जी को ये आइडिया आया, हाँ। यार ये तो गाने में भी साउंड करता अमिताभ बच्चन जैसा, हाँ। तो उन्होंने बोला सुदेश आजा कुछ लिखा है, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा, मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, तो आजा 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 बिट्टू कल आजा। उसके बाद बोले अब मैंने मुखड़ा लिखा है, वो कैसे गए, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये और फिर गाना जब बना अंतरे, अच्छा बख्शी साहब ने लिखे, और जब गाना खिचड़ी पक गई तब अमित जी को बुलाया, आपके लिए कुछ बनाया सुनिए, तो ऐसे मैंने 1-to-1 बिना माइक्रोफोन के, अच्छा लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम पे उनको सुनाया, तो जैसे सुना ओके रिकॉर्ड कर लो। वाह। और उसमें लाइन है एक, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे, तो बैठे बैठे अमित जी बोले मैं साउथ अफ्रीका में एक डिस्को में था, नॉर्मल गायन चल रहा था, ऑडियंस भी थी, अचानक किसी ने हे दा रा रा दे रे दे दा रा रा रा, तो मैंने बोला चुम्मा दे दे, तो ये ऐड, तो ये अमित जी का कॉन्ट्री। अच्छा बच्चन साहब बड़े सुरीले हैं। तो बस उस गाने के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर अमित जी उस वक्त बोले थे अब मैं नहीं गाऊंगा, यही गाएगा। वाह। फिर उन्होंने कुछ गाने गाए, मैंने बोला कोई बात नहीं। पर एक्चुअली बच्चन साहब को कितनी जनरेशन जो हैं पसंद करती हैं, आज तक भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, खुश रखे। और मेरी बेटी 2 साल की अभी, तो वो ना एक गाना सुनती रहती बच्चन साहब का, रॉक एंड रोल सोनी है, तो मैं कौन बने करोड़पति में गया, तो वो उनको देख के बोलते डॉक्टर नोल अंकल। मैं सोचूं हम उनके फैन, हमारे पिताजी उनके फैन, हमारे दादाजी, और मतलब वी लव यू बच्चन साहब, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।